कि मेरी चेस्ट पे माउंटेड है लाइट, और अभी मैं नीचे झुक के जा रहा हूँ। तो मैं सामने का दिखाता हूँ, ये पूरा पत्थर का है। बोल नहीं सकता। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सवारी जा रही है सतारा। सतारा में एक फोर्ट है, कल्याणगढ़ फोर्ट। तो आज वहीं जा रहे हैं हम लोग, मैं और संदीप भाई। मेरे लोकेशन से ये अप्रॉक्स 145 किलोमीटर वन वे पे है। एंड हम लोग अभी नवले ब्रिज के पास में, नवले ब्रिज के क्रॉस करके वहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट है। तो अभी मैं ऑन द वे हूँ टू नवले ब्रिज। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज दिस फोर्ट इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए, सनराइज से पहले जो ऑरेंज कलर का स्काई होता है, कितना अच्छा दिख रहा है। अभी सनराइज हुआ नहीं है, बाकी टाइम पे जब आता हूँ तो उस समय सनराइज हुआ रहता है। बट टुडे हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है अकॉर्डिंग टू आवर नॉर्मल ट्रिप्स। ये जो आप लेफ्ट साइड में ये माउंटेन देख रहे हैं, इसके ऊपर ही है शायद, क्योंकि तो मैप के लोकेशन के हिसाब से यही होना चाहिए। इसी के ऊपर अपने को जाना है अभी। अभी देखते हैं, इट्स शोइंग 20 मिनट दिखा रहा है एंड 5 किलोमीटर, यही होना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी। तो ये रास्ता है वहाँ जाने का, ये रास्ता है ऊपर जाने का ऑन दैट माउंटेन। यहाँ आप कार से भी आ सकते हैं, रोड का जो विड्थ है इसके हिसाब से फोर व्हीलर इजीली आ सकता है यहाँ पे। कच्चा रोड है, बट इट्स स्टिल फाइन, यू कैन कम हेयर। See this, wow, wow, what a location। मेरे लेफ्ट साइड में देखिए विंडमिल्स दिख रहे हैं। शानदार लोकेशन। वाह, देखिए मेरे राइट साइड में लोकेशन, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ते पे ध्यान देना है। आप देख सकते हैं, पूरा कच्चा ही रोड है, बट इट्स मैनेजेबल। एडवेंचर बाइक के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। सामने देखिए ये विंडमिल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। उधर भी हम जाएंगे, बट अभी कल्याणगढ़ की तरफ जा रहे हैं। कल्याणगढ़ मैप में लोकेशन इधर दिखा रहा है, राइट के साइड। ये देखिए, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़।
इसी रास्ते से अभी आप लोग, हम लोग अभी आए हैं, अभी और जाना है, यहाँ पे रुक गए थे थोड़ा शूट करने के लिए। देखिए आप सीनरीज का मजा लीजिए। अभी तक हमने हमेशा विंडमिल्स को नीचे से देखा है, ऊपर विंडमिल्स हमेशा ऊपर हुआ करता था, आज हम लोग विंडमिल्स के ऊपर हैं। अभी देखिए मेरे राइट में दिखेगा आपको, ये देखिए, तो अभी हम लोग किधर जाना है, वो फोर्ट है ऊपर, थोड़ा ही बचा है, मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ, एंजॉय कीजिए। ये देखिए हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ बाइक यहीं तक जाएगी, आगे फिर हमको सीढ़ी से जाना है ऊपर, आगे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे, सारी तैयारी हो गई है, बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया है, ये मेरे पीछे देखिए ये बाइक, ये मेरी बाइक पार्कड है, यहाँ पे एक और बंदे हैं और संदीप भाई की बाइक है वहाँ पे, और अभी ये कल्याणगढ़ फोर्ट का यहाँ से स्टेयर के सीढ़ी स्टार्ट होता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सीढ़ी है, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर। अब कल्याणगढ़ फोर्ट के बारे में बताऊँ थोड़ा, तो ये राजा भोज टू ने बनवाया था एंड 1673 में शिवाजी ने इनको जीत लिया था फोर्ट को। ये फोर्ट में घुसने का दो दरवाजा है, ये मेन गेट है, इसको मुख्य दरवाजा भी बोलते हैं। शिवाजी के बाद ओनरशिप अंग्रेजों के पास चला गया, और अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है ये फोर्ट। ये ऐसा है यहाँ पे आने का, ये गेट था, यहाँ से रोटेट होता है गेट, यहाँ से आपको आना पड़ता है। फोर्ट जो है जर्जर हालत में है, तो इधर हम जाएंगे फोर्ट की तरफ, नीचे एक मराठी में गुहा बोलते हैं, यहाँ पे एक गुफा है जिसके अंदर मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी की एंड दत्त मंदिर है एंड पार्श्वनाथ मंदिर है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है। दत्त मंदिर और जैन मंदिर खाली हो रखा है, इट मीन्स दैट नीचे मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, तो देखिए ये नंदी और अंदर शिवलिंग है। ये हम जा रहे हैं नीचे, मंदिर है तो यहाँ पे हमको शूज़ निकालना पड़ेगा, तो अभी हम शूज़ निकालेंगे फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ये देखिए अभी हम लोग उधर से आए, यहाँ पे शूज़ निकाले, और अभी हम नीचे जा रहे हैं गुफा में। ये संदीप भाई, तो अंदर पूरा अंधेरा है, मैं ऑलरेडी टॉर्च लेके आया हूँ जो मेरे चेस्ट पे माउंटेड है। अब नीचे देखिए आपका पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये पूरा पत्थर का है, ये जो भी आप देख रहे हैं, देखिए मेरी चेस्ट पे माउंटेड है लाइट,
और अभी मैं नीचे झुक के जा रहा हूँ, आपको मैं सामने का दिखाता हूँ। ये पूरा पत्थर का है, आपको झुक के जाना है, अदरवाइज सिर फूट सकता है आपका। यहाँ पे पानी जमा होता है, मे बी बैड चमगादड़ होंगे अंदर, नो डाउट। अभी जो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ यहाँ भी पानी जमा होता है, बट अभी सिंस विंटर का सीजन है तो पानी सूखा हुआ है। ऑलमोस्ट 30 मीटर आपको आना होता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी पानी नहीं है, बट इसमें सब में पानी जमा होता है एक्चुअली। यहाँ पे फिर से आपको पूरा झुक के चलना पड़ेगा, पूरा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर पूरा पत्थर है। एंड ये देखिए, ये देखिए नंदाना संस्कृत में लिखा है, नंदगिरी जी का मंदिर है, आई थिंक जैन मंदिर है ये, नीचे लिखा हुआ है। या भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है ये। ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुराना मंदिर है ये। देखिए आपको पास से दिखाता हूँ, मेरे पैर में कीचड़ लगा है, अंदर जाऊँगा तो गंदा हो जाएगा फ्लोर, इसलिए मैंने अंदर नहीं जा रहा हूँ। आप ये देखिए पास से, ये देखिए अन्नपूर्णा देवी का प्रतिमा है ये यहाँ पे। ये एक और भगवान है, दत्त भगवान है। पूरा ये जो गुफा है ये पूरा अंधेरे में रहता है, अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने का तो आप अच्छे क्वालिटी का टॉर्च लेके आइए। हम लोग मोबाइल लाइट और जो मेरा ये छोटा टॉर्च है उसे मैं काम चला रहा हूँ, बट एक्चुअली भी मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का टॉर्च होना चाहिए। तो यहाँ पे गुफा खत्म हो जाता है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। सो इट्स अबाउट 30 मीटर का रहेगा गुफा, आपको झुक के चलना पड़ता है, आपका सिर जो है वो टकरा जाएगा पत्थर में, फिर साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल है, आप खड़े होकर चल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, यहाँ पे पूरा पानी जमा होता है, गुफा का ही पार्ट है। अभी जो भी रास्ता ये देख रहे हैं, रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है सब में पानी जमा होता है जब आप रेनी सीजन में आएंगे तो। अगेन आपको झुक के चलना है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मीटर का ही हाइट पे रहेगा ये, सो आपको झुकते हुए ही जाना है। ये हम लोग आ गए हैं बाहर, ऑलमोस्ट आ ही गए। बिना लाइट का आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा गुप्त अंधेरा है अंदर, तो आपको लाइट के साथ ही यहाँ आना चाहिए। मोबाइल की लाइट से आप काम चला सकते हैं बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे हम लोग शूज पहनेंगे और फिर फोर्ट में जाएंगे, आपको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में।
तो ये शूज पहनने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर फोर्ट है, फोर्ट में कवर करेंगे क्या क्या है आपको दिखाता हूँ। यहाँ का थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसा है, ये पूरा पत्थर का है और नीचे गुफा है, गुफा के अंदर मंदिर था जहाँ से हम लोग अभी आए। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर की तरफ जहाँ फोर्ट है। इसी गेट से हम लोग आए थे अभी, और लेफ्ट आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में गुफा है जिसके अंदर मंदिर था। अभी हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, देखिए ये दूसरा दरवाजा है, वो नीचे वाला मेन दरवाजा था और ये दूसरा द्वार ये फोर्ट की तरफ जाता है। ऊपर और भी मंदिर है आपको दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ आए हैं, यहाँ से ये राइट से ये ऊपर की तरफ जाना है और ये एक और मंदिर है। वहाँ से मंदिर का गेट है, वहाँ से जा सकते हैं, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। देन हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए दूसरा मंदिर है, इनको मारुति जी का मंदिर बोलते हैं, हनुमान जी का मंदिर। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर सीढ़ी से, फिर आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या है। इफ यू आर लाइकिंग दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ASP_Vlogs007। ये देखिए एक कुंड है, एक तालाब है जिसमें अभी शायद बारिश का ही पानी होगा क्योंकि यहाँ पानी आने का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये गोरखनाथ भगवान का मंदिर है, ये देखिए अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने शूज पहना है आपको, मैं तो पास से दिखा देता हूँ। मेरे पास सेल्फी स्टिक है सो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। जैसा मैंने पहले बोला कि ये जो फोर्ट है ये मेंटेन हालत में नहीं है, तो ऑलमोस्ट खंडहर ही समझिए, है भी ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना, समुद्र तल से ऑलमोस्ट 3500 फीट की ऊंचाई पे है ये फोर्ट। ये देखिए कुछ अवशेष बाकी हैं फोर्ट का, ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं आप ये बहुत पुराना है, इसको शायद पता होगा फोर्ट का पूरा कहानी बट ये बोल नहीं सकता, तो आप इसको एज ए निशानी समझ के आप फील कर सकते हैं
उस समय उस जमाने में फोर्ट पे क्या हुआ होगा। हम लोग जहाँ से आए आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं सामने से, इधर से हम लोग आए, सामने वो विंड मिल दिख रहा है ऊपर, और यहाँ पे आगे कुछ कंस्ट्रक्शन है, शायद मंदिर ही होगा। सो आपको बताते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। ये मज़ार है बेसिकली, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए, ये लिखा है किले कल्याणगढ़, ये आपको व्हाइट बैकग्राउंड में लिखा है, इसका फॉन्ट का कलर निकल गया है, यहाँ लिखा है वास्तुचे अवशेष, इन द सेंस फोर्ट का जो अवशेष है वो ये है, सह्याद्री प्रतिष्ठान वन विभाग कोरेगांव। सो ये आज का व्लॉग था किले कल्याणगढ़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ASP_Vlogs007, और ऐसे ही पुणे लोकल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।